नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। और आज एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। कुछ लोग हैं बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कैंडल्स फोकस कर रहे हैं, प्राइस एक्शन फोकस कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, फेलियर हो जाता है। और कुछ लोगों ने तो टेक्निकल एनालिसिस छोड़ दिया, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत देरी में रिजल्ट मिलता है। उन्हें चाहिए क्या कि एक्चुअली हम फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स चूज करें और टेक्निकल ब्रेकआउट में एंटर करें। और कुछ लोग तो इवेंट ट्रेडिंग में बहुत ही माहिर हो चुके हैं, जैसे कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट हो गया, कुछ कंपनी का गड़बड़ी आ गया, या फिर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, अगर कोई देश में झगड़ा हो रहा है तो कोई कमोडिटी बढ़ने वाला है या स्टॉक बढ़ने वाला है, न्यूज़ के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे किसके ऊपर कितना हमें फोकस करना है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कितना फोकस करना है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कितना फोकस करना है, फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी है उसके ऊपर कितना फोकस करना है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कितना जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस कितना जरूरी है और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक मैंगो का ट्री है, सही है, मैंगो का ट्री है। अभी ये ट्री को क्या है, आपको ख़रीदना है, लीज में लेना है, महीने एक कुछ महीने में स्टार्ट में लेना है और एक महीने या दो महीने वेट करना है, उसके बाद उसके सारे फल आप ले लोगे और उसके बाद वो ट्री जिसके ओनर है वो ले लेगा। आपको सिर्फ एक दो महीने के लिए लीज लेना है, जब फल आएगा तभी आपको लेना है और उसको बेच के निकल जाना है, ठीक है। तो हम पूरा साल पेड़ को पकड़ के नहीं बैठेंगे। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और जल्दी से जल्दी बनाना है। तो तुरंत बनाने के लिए मैंगो का ट्री अगर हम लेना चाहते हैं और पैसा बनाना है तो जब आम पकड़ेगा तब तब हम ले सकते हैं। तो आम का सीज़न शुरू होता है समर में और पेड़ चूज करने के लिए सबसे सही वक्त होता है जब उसमें फ्लावर्स आ जाए, ठीक है, मैंगो बर्ड्स आ जाए, तो समझ लेना कि मैंगोज होने वाले हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले समय में मैंगोज होने वाले हैं। तो इस ट्री में आप देख रहे हो ऑलरेडी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ चुके हैं। तो अगर मैं लीज लेने की सोच रहा हूँ तो ये अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। तो मैंने ये ट्री बुक कर लिया, मैंने ये ट्री ले लिया। अभी ये जो इंडिकेशन के चलते मैंने ख़रीदा हुआ है, आप ये गारंटी दे सकते हो क्या कि मैंगोज भी होंगे, जैसे आपने सोचा कि फ्लावर्स आ गया तो मैंगो आ गया, नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है कि वेदर का कंडीशंस ख़राब हो सकता है तो मैंगोज नहीं आएंगे। मैंगोज आने के लिए अच्छा वेदर भी होना ज़रूरी है, जैसे कि आपका जैसे कोहरा बादल छा गया चारों तरफ तो ये सब जल जाते हैं और झड़ जाते हैं, आने वाले समय में मैंगोज अच्छे नहीं होते। तो जो हम एनालिसिस किए थे, वेदर कंडीशंस अगर ख़राब हो जाए तो ये एनालिसिस काम नहीं आता, सही है। तो ये वेदर कंडीशंस अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो हमने जो बर्ड्स देखे थे जिसको लेके हमने पेड़ खरीदा था उसको आप टेक्निकल एनालिसिस कह सकते हो, कुछ इंडिकेशन आ गया और आपने पेड़ पकड़ लिया। और ये जो वेदर का कंडीशन आप इस तरह से समझ सकते हो कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट हो गया, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गया, कमोडिटी साइकिल की वजह से स्टॉक में उतार चढ़ाव या मार्केट में उतार चढ़ाव, और कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे अच्छे इंडिकेशंस भी, अच्छे चार्ट पैटर्न्स, अच्छे कैंडल्स भी फेल हो जाते हैं। तो अभी इस मैटर को हम समझते हैं कि हाँ, एक तो समझ गया कि टेक्निकल एनालिसिस के वजह से हमारा समझ में आ जाता है कि मैंगो होने वाला है या नहीं, लेकिन मैंगो होने का चांसेस वेदर के ऊपर डिपेंड करता है और वो क्या है, ये सारे इवेंट्स हैं। अभी फंडामेंटल एनालिसिस को कहाँ पर हम फिक्स करेंगे, तो फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए ये तो हमने बात किया कि टेक्निकल एनालिसिस बर्ड्स है और फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि ये पेड़ कौन सा है, ये पेड़ में किस तरह के फल लगते हैं, ये पेड़ में जो फल लगते हैं कि दशहरी है, अल्फांजो है या फिर तरह तरह के होते हैं। तो मुझे जितना नॉलेज है दशहरी जो मैंगो होता है वो सबसे लास्ट आता है। तो वेदर का कंडीशन अगर फूल के समय में ख़राब आया है इस समय में, तो आने वाले समय में जब दशहरी सबसे लास्ट में आएगा तो फ्लावर सबके जड़ जाए, उसके बाद भी दशहरे बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ट्री है, कौन सा पेड़ हम खरीद रहे हैं और उसका क्वालिटी क्या है, हो सकता है बहुत सारे खट्टे आम भी होते हैं, बहुत ही बेकार फुद्दू जैसे आम होते हैं, वो आम के पेड़ हम टेक्निकली खरीद भी लिए तो उससे पैसा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो ये इंडिकेशन आया कि हम कौन सा पेड़ खरीदना सही रहेगा, तो पहले
ये तो अच्छा है कि फ्लावर्स हमने देख लिए, टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो गया कि हाँ अभी पेड़ में फल बनने वाला है, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो गया, इंडिकेशन आ गया कि बढ़ने वाला है, ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करना है कि ये पेड़ में कौन सा फल होते हैं, मतलब जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं वो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, अगर अच्छा है तो बढ़ेगा, खराब है तो खराब न्यूज़ आया है तो और भी गिरेगा, राइट। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फ्लावर्स के साथ, इंडिकेशन के साथ हम बैठ सकते हैं, अगर मार्केट हल्का सा गिरे भी तो वहाँ पे स्टॉप लॉस ना करके वेट कर सकते हो, तो फंडामेंटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स अगर खराब आ गए तो अच्छे शेयर्स भी गिर जाते हैं भाव, तो खराब माहौल है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल्स खराब है, तो हमको पता चल गया कि हाँ जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो जिसके वजह से मार्केट गिर सकता है, तो हम अच्छा पेड़ ना खरीद कर भी कोई फुद्दू सा पेड़ भी हम बेच सकते हैं और नीचे जाके खरीद सकते हैं, मतलब मैं पुट की बात बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस एक जगह पे सही है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इसी वजह से फेल हो जाता है, कोई एक्सटर्नल इवेंट हो जाता है या फिर फंडामेंटल में वैल्यूएशन या इसके बारे में आपको, तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो इन तीनों के ऊपर फोकस करना है, तीनों के तीनों मिल जाते हैं तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर इंट्रा डे करने पर फंडामेंटल्स का जरूरत है क्या, मैं बोलता हूँ हाँ जरूरत है, अगर बैंक शेयर्स पे या फिर कोई स्टील सेक्टर पे अच्छा न्यूज़ आया है तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक भागेंगे, जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है वो ही सबसे ज़्यादा भागेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा सेक्टर के ऊपर आइडिया रखना है और सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा है उसके ऊपर भी आइडिया रखना है, तो बीच बीच में फंडामेंटल एनालिसिस करते रहिए, इंट्राडे में भी बहुत अच्छा पैसा बनाने के लिए हेल्प करता है। आशा करता हूँ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।